नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे दाल की कचौरियाँ। बड़ी स्वादिष्ट बनेगी, अलग तरीके की बनाएंगे। चलिए दोस्तों, आज बनाएंगे दाल की कचौड़ी। ये हमने उड़द दाल ली है धुली हुई, रात में भिगोती थी, अच्छे से धुल ली है 2-3 बार। अब इसे मिक्सी में पीस लेंगे ये जार में डाल के। ये हमने लहसुन और मिर्ची ली है, खूब सा लहसुन और मिर्ची ले ली है 3-4। इसे डाल देंगे इसमें। और ये सौंफ ली है, सौंफ भी डालेंगे इसमें। अब इसे पीस लेंगे। ये देखिए, हमने पीस ली है दाल को। ये हल्की दरदरी रखी है, ऐसे निकाल लेंगे। चलिए दोस्तों, इसमें मसाला ऐड कर लेते हैं। ये हमने मिर्ची ली है थोड़ी सी, आधी चम्मच। आधी चम्मच धनिया लेंगे। नमक ले लेंगे स्वाद अनुसार। ये गरम मसाला आधी चम्मच। ये चाट मसाला लिया 1 चम्मच। बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसे डालने से। और ये धनिया ले लिया हरा, इसे मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दाल को हम आटा में गूंद के कचौड़ी बनाएंगे इसकी, भर के नहीं बनाएंगे। ले लिया है 2-3 कटोरी, आप जितना यूज करें उतना डालें। ये हम तेल डाल देंगे इसमें 2-3 चम्मच। अब दाल इसी में मिक्स कर लेंगे आटा में। थोड़ी थोड़ी डाल के इसे, पानी अभी नहीं डालेंगे क्योंकि दाल भी गीली है, तो अभी इसी से आटा मिक्स करेंगे। ये देखिए, दाल को हमने अच्छे से मिक्स कर ली है। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा को लगाएंगे इस तरह से। अब ये थोड़ी सी हींग डाल देंगे इसमें, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, आटा हमारा तैयार हो चुका है, इसे रखेंगे अब थोड़ी देर। चलिए तो बनाना शुरू करते हैं। ये ले लेते हैं आटा। ये सूखा आटा लिया है, इसमें लगा के बेल लेंगे इसको। ये हमने बेल ली है एक बड़ी पूरी की तरह। अब इसे ये गिलास लेंगे, ऐसे काट लेंगे जो कि एक ही साइज की कटेंगी इस तरह से। ये देखिए, इस तरह निकाल देंगे। ये देखिए, इस तरह बना लेंगे, इस तरह बेल के तैयार कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह बेल ली हमने। ये तेल गर्म हो चुका है हमारा, इसमें डाल देंगे। अच्छे से सेक रही है, पलट पलट के सेक लेंगे इनको। देखिए, अच्छे से सेक चुकी है, ब्राउन हो चुकी है, निकाल लेंगे इन्हें। देखिए कितनी अच्छी फूली है ये। चलिए दोस्तों, चटनी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हरी मिर्ची ली है, लहसुन, ये शिमला मिर्ची काटी है थोड़ी सी,
जिससे बहुत ही अच्छा ग्रीन कलर आता है, और ये धनिया ली, एक टमाटर, आप चाहें तो नींबू भी डाल सकते हैं। ये थोड़ा सा नमक डाल देंगे, ये लाल मिर्ची ऐसे पीस लेंगे, चलिए देखिए चटनी बनके तैयार हो चुकी है, इसे निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों, कचौरी हमारी बनके तैयार हो चुकी है, जो कि बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट बनी है। ये देखिए।